press the bell icon. Never miss an update. Assalamualaikum students, आज हम study करने जा रहे हैं excretion in representative animals में next topic that is excretion in cockroach. सबसे पहले हम इसका introduction, उसके बाद excretory products, then जो structures involved हैं excretion में and at the end हम देखेंगे mechanism of excretion. डिफरेंट बोर्ड्स में कई दफ़ा ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी अपेयर हुआ हुआ है, इसलिए जी आपने वीडियो को मुकम्मल गौर से ज़रूर देखना है. कॉपी पेंसिल हाथ में कीजिए और साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा. स्टार्ट करते हैं जी इसके इंट्रोडक्शन के साथ. कॉकरोच बेसिकली एक इंसेक्ट है और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. हम जानते हैं कि ज़मीन के इर्तका से लेकर के आज जो हमारे पास प्रेजेंट ईरा चल रहा है तकरीबन 99% बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो चुकी है. यानी कि प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1% लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट पॉपुलेशंस, उनकी कम्युनिटीज़, वो कहीं ना कहीं पर सर्वाइव कर रही हैं और इस 1% का भी आधे से ज़्यादा हिस्सा इंसेक्ट्स हैं. यानी कि 53.1% आउट ऑफ दैट 1% ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिविंग टुडे वो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं. मींस के इनकी कई इकसाम होंगी और इनका जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स. आर्थ्रोपोडा है यानी कि इनकी जॉइंटेड लेग्स हैं. आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा फॉर लेग्स. फर्स्ट ईयर में हम काफ़ी डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं. तो ये जॉइंटेड अपेंडिजेस वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं. उसके बाद बात करते हैं जी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के हवाले से. आपको याद होगा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में, यानी कि अभी से कुछ लेक्चर्स पहले हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर एनिमल्स डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पर्टेनिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. इंसेक्ट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं और इनको बहुत ही कम मिकदार में पानी अवेलेबल होता है, इसलिए ये नाइट्रोजनस वेस्ट की इंतहाई कम टॉक्सिक फॉर्म एक्सक्रीट करते हैं. यानी ये कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनके अंदर होंगी, नाइट्रोजनस वेस्ट के हवाले से यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म है और उसको सिर्फ 1 ml वाटर रिक्वायर होता है पर ग्राम ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने के लिए. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो कॉकरोच है इसके अंदर एक ट्यूबुलर सिस्टम मौजूद है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद है एक्सक्रीशन के हवाले से, जिसे जी हम मालपिजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं. मालपिजियन ट्यूब्यूल जो है इसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट अडाप्टिव रोल है. वो क्या है कि ये स्पेशल ट्यूब्यूल्स अडाप्टेड हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसकी कलेक्शन के हवाले से, स्पेशली फ्रॉम द हीमोलिम्फ विच इज प्रेजेंट इन द साइनसेस. यानी कि मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आर अडाप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ इन साइनसेस थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर सिस्टम, जिसको कि अभी हमने मालपिजियन ट्यूब्यूल्स का नाम दिया. तो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स की एक स्पेसिफिसिटी है कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ एसोसिएट है और यहीं से नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन भी हो रही है. यानी कि इनका एक्सक्रीटरी एज वेल एज न्यूट्रिटिव सिस्टम आपस में इंटररिलेटेड है. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंसेक्ट्स एनिमल्स की वो वाहिद ग्रुप है, एनिमल्स के अंदर वो वाहिद क्लास है जिसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो फेसिस के साथ, यानी कि जो कि एंड प्रोडक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स. इसके अलावा किसी भी दूसरे एनिमल के अंदर ना ही कोई स्ट्रक्चरल और ना ही किसी किस्म का फंक्शनल रिलेशनशिप मौजूद है न्यूट्रिटिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के दरमियान में. ये स्पेसिफिसिटी सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स के अंदर है. कॉकरोच भी क्योंकि एक इंसेक्ट है तो लिहाजा इसके अंदर भी जो न्यूट्रिटिव सिस्टम है वो रिलेट कर रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ, और जो वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट वो न्यूट्रिटिव सिस्टम के वेस्ट यानी कि फीसिस के साथ ही बॉडी से बाहर रिमूव हो रही हैं. अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है आइए जी देखते हैं.
एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म।